आज हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से डर और दहशत का माहौल है कि सरकार किसकी जासूसी कैसे करा रही है किसी को नहीं पता। और अभी तक तो लोगों की जासूसी हुआ करती थी, आज मैं आपके सामने सबूतों के साथ आया हूं कि भारत के एक राष्ट्रीय दल की राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। और ये वहां हो रही है जहां पे केंद्र सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस देश में विश्वास कैसे करें केंद्र सरकार के ऊपर, जब दिल्ली देश की राजधानी में, देश की राजधानी के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की जासूसी केंद्र सरकार द्वारा कराई जा रही है। हमने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री आवास की जासूसी कुछ हफ्तों पहले कराई जा रही थी, कौन आता है, कब आता है, कहां जाता है। और अब हमारे राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज दिखाऊंगा। दिल्ली के लोग, देश के लोग इन लोगों को पहचान करके बताएं किस डिपार्टमेंट के, किस खुफिया एजेंसी के ये लोग अधिकारी हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय की जासूसी में व्यस्त हैं। ये वीडियो करीब 1:30 बजे का है, आप देख सकते हैं वहां पे 4 आदमी बैरिकेड के पास खड़े हैं और ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये चलते फिरते यहाँ पे आए हैं। और ये नीली शर्ट वाले ने अंदर झांक के देखा और ये आदमी जो है सबसे पीछे 2, ये लोग फोन पे हैं। ऐसा लगेगा कि बस जो है चलते हुए राहगीर हैं और चल के जो है निकल गए। ये टाइम है 1:30 का। नेक्स्ट वीडियो दिखाइए। अब दूसरा कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने आपको दिखाया कि 1:30 पे दोपहर को वो लोग साधारणता एक बार ताक झांक करके इस रोड से चले गए। ये हमारे मुख्यालय के बाहर का सीसीटीवी कैमरा है। अब आप ये देखिए, ये 1:30 पे जो आए थे, ये सीधा जो है आईटीओ की तरफ जा रहे हैं, आए और चले गए। अपने काम से आए थे, कहीं जा रहे हैं, इनको वापस नहीं लौटना चाहिए क्योंकि तो अपने काम करने जा रहे हैं। तो ये आप देखिए फोन पे कान पे लगा के धीरे 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 चलते हुए सीधे चले गए। अब ये 3 लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये चलते चलते यहां मुड़ गए। ये वो 3 लोग नहीं है, जो 4 थे वो अलग थे, ये 3 अलग हैं। और ये पार्टी के ऑफिस के अंदर सीधे जा रहे थे बट जाते जाते ये अंदर मुड़ गए। और वो जो 4 लोग गए थे 1:30 बजे, वो 1:35 में आप देखिए वापिस आ रहे हैं। अब ये सफेद शर्ट वाले जो है, ये अब अंदर झांक के देखेंगे कि इनके जो 3 आदमी अंदर गए वो क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये झांक के गए, ये आ गए, इनको अब पता चल गया कि वो लोग अंदर हैं। तो ये लोग अब सीधे चले गए। और जो 4था आदमी जो सुबह से फोन पे बात कर रहा है, वो अभी भी फोन पे बात कर रहा है, वो यहां पे खड़ा हो गया। और अभी मैं दिखाऊंगा कि वो जो 3 आदमी अंदर गए हैं वो इनसे मिले हुए, वो आके इस आदमी से बात करेंगे। ये लास्ट में चल रहा था,
अभी वो जो चार आदमी हैं वो जाते हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और तीन अंदर हैं अभी। तेरह बज के 37 मिनट, दोपहर के 1:37 है, 1:35 पे वो अंदर गया था, तीन लोग अंदर गए थे। अब जो फोन वाला आदमी है वो वहां पे धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड कम कर दी है, वो फोन पे ही है अभी। कोई बात नहीं, आगे आएगा अभी आएगा। ये आदमी जो है यहां पे रुका, फोन वाला आदमी, और जो तीन आदमी अंदर से निकले इनसे बात कर रहा है, और जो आदमी रुका था वो चार वाले ग्रुप का आदमी था, अभी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये सात लोग एक एजेंसी से, एक खुफिया एजेंसी से, वो कोई भी एजेंसी हो सकती है या हो सकता है सरकार ने प्राइवेट लोग रखे हो, बट देखने से मुझे सरकारी लोग लग रहे हैं। और अब जब ये अंदर घुसे, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे यहां सिक्योरिटी के आदमी ने इनसे पूछा कि आप कौन हो, अपना नाम लिखाइए, रजिस्टर में नाम पता लिखिए, और इन्होंने नाम पता नहीं लिखा, और वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं कि इनको कैमरा जो है कवर कर रहा है, इसलिए यहां से जल्द निकल गई। ये देखिए, ये जब 3:35 पे अंदर घुसे, तीनों ने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे, ट्राउजर पहन रखे, खास निशाने हैं, सरकारी एजेंसीज के लोग होते हैं। बालों का कटाव देखिए इनका, बिल्कुल पतले छोटे कटे हुए बाल हैं तीनों के, और देखिए इनकी नजर जो है इधर उधर है, कोई काम नहीं है इनको यहां पे, मगर ये पूरा ऑफिस जो है रेकी कर रहे हैं। अब अगर आप ये ऑफिशियल काम से आए हैं, आपको किसी सरकार ने किसी लीगल काम के लिए भेजा है, तो आप अपनी एंट्री कराइए रजिस्टर में, लिखिए नाम, लिखिए एड्रेस, लिखिए फोन नंबर, लिखिए, मेरे कुछ नहीं लिख के जो है चले जाएंगे, क्योंकि इनसे पूछ लिया गया। और बाहर निकल के जो इनका बाकी का ग्रुप है उसके साथ ये लोग बातचीत कर रहे होंगे। ये देखिए, सब लोग आसपास देख के, कैमरा भी देख रहा है आदमी। हम दिल्ली वालों से चाहेंगे कि वो इनको पहचाने, कहीं ना कहीं दिल्ली में ही रहते होंगे, नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं रहते होंगे, उन्हें पता होगा कौन है, किस विभाग में काम करते हैं, या किस विभाग में कहते हैं कि ये काम कर रहे हैं, और ये क्या करने एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरीके के लोग हमारे पार्टी के दफ्तर में आने जाने वालों से पूछताछ करते हैं। कई बार कुछ लोग, मनीष जी की अगर पेशी होती है तो मनीष जी से अगर मिलने कोई हमारी पार्टी के एमएलए या हमारी पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं, तो उनका पीछा करते हुए भी कई लोग इस तरीके के आते हैं, और बातचीत करने में पता चलता है कि वो किसी सरकारी चीज से जुड़े हुए हैं, मगर वो बताते नहीं है कि वो कौन से विभाग से हैं। तो लगातार भारत देश में, एक प्रजातांत्रिक देश में, एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी हो रही है। क्यों हो रही है ये केंद्र सरकार बताएगी। क्या डर है अरविंद केजरीवाल से, क्या डर है आम आदमी पार्टी से, क्यों जासूसी की जा रही है, और अगर सब कुछ लीगल है तो आप नाम बताइए, पद बताइए, काम बताइए। और सेम इसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास की कुछ दिनों पहले जासूसी की जा रही थी, और ये बहुत सीरियस मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी पार्टी के दफ्तर में कौन आता है, क्यों आता है, क्या काम हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को क्या लेना देना है, ये बहुत गंभीर बात है। इसी देश में कुछ दिनों पहले बताया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार ने खरीदा था, आरोप लगे केंद्र सरकार के ऊपर, सवाल पूछे गए
कि इसराइल से क्या आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है, और कई जगह इस चीज की पुष्टि हुई कि जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं जिनकी सरकार से बनती नहीं है उनके फोन में अवशेष मिले उस तरीके के सॉफ्टवेयर होने के, और ये तो खुल्लम खुल्ला जो है जासूसी हो रही है जो मैंने आपके सामने दिखाया, और ये पूरे प्रजातंत्र के लिए बहुत गंभीर बात है।